वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में न्यू एंड लेटेस्ट टोरी ब्लाउज के बहुत ही बेहतरीन फैक्सी डिज़ाइन शेयर की हूँ। सो सभी डिज़ाइंस को देखने के लिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। इस वीडियो से आपको अपने ब्लाउज के लिए आइडियाज भी मिल जाएंगे। सो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक पूरा देखिएगा, नहीं तो हो सकते जो डिज़ाइंस आपको पसंद आने वाले हो आप उसे मिस कर दो। एंड आपको इनमें से जो भी डिज़ाइन अच्छी लगे आप उसे रिपीट ओकेजन से व्यू करने वाले ब्लाउजेस के साथ ज़रूर से डिज़ाइन कराएं। लहंगा वेयर ब्लाउज सारी वेयर ब्लाउज के साथ आप ट्राई कर सकते हो। डिफरेंट ओकेजन के लिए आप ट्राई कर सकते हो, पार्टी वियर, फेस्टिवल वियर, सिंपल वियर के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। सिंपल एंड सोबर में आप अपने ब्लाउज को डिज़ाइन करा सकते हो। इन बैक साइड डिज़ाइन को यूज़ करके आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स को यूज़ करके डोरी डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हो। आप बैक ओपन के साथ डोरी बना सकती हो, फ्रिल्स के साथ, रफल के साथ ट्राई कर सकते हो। अपर साइड या फिर लोअर साइड में आप डोरी ट्राई कर सकते हो। सिंगल या फिर मल्टीपल डिज़ाइंस आप यूज़ कर सकते हो डोरी की। एंड आप कटर शेप्स भी दे सकती हो डोरी के साथ। एंड आप डोरी में ट्रेजर्स बनवा सकते हो फैब्रिक वाले, सभी बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग लुक देंगे। जैसा कि आप लोग इमेजेस में मॉडल्स को देख ही रहे होंगे, सो आप भी डिफरेंट फैब्रिक के साथ इन डिज़ाइन को ज़रूर से यूज़ करें। सिल्क फैब्रिक आप यूज़ कर सकती हो, काफ़ी ट्रेंड में चले हुए हैं। सो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको अपने ब्लाउज के लिए आइडियाज भी मिल गए होंगे। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और जब भी पहली बार आई और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली न्यू वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको इनका नोटिफिकेशन मिल जाए। ना मेरी कोई भी फ्यूचर वीडियोज़ को मैं